जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं केसी नाइस्टैट का नया वाला वीडियो देख रहा था जो उसने अपलोड किया है 4-5 घंटे पहले, तो उसमें उसने बात की है कि वो एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, ट्विटर से वो स्क्रॉलिंग और इंस्टाग्राम का भी वही मामला है, स्क्रॉलिंग। और उसने उसमें बात की है कि जब हम किसी के बारे में देखते हैं और वो आर्टिफिशियल टाइप का अच्छा लगता है तो मतलब हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। तो मेरा सुझाव ये है, अगर आप लोग मतलब सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं तो सबसे पहले रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिएगा, फिर थोड़ी ना 20 घंटे सोते रहिएगा, सुबह जल्दी उठिए। उसके बाद से एक लिस्ट बनाइए या रात ही में लिस्ट बना लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं एक आइडियल डे में। आपको सोचिए कि इसमें से कितने काम, मतलब आपके जो लिस्ट है उसमें से आप कितना काम कर सकते हैं। मतलब उसमें से एक सिंपल ये भी हो सकता है कि ओट्स, मैं जैसे एक लिस्ट में 3-4 साल पहले मेरे लिस्ट में था कि हम ब्रेकफास्ट में ओट्स खाएं, तो हम अब ओट्स खाने लगे, हैबिट बन गई। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना आपको, कोई भी काम करना चाहते हैं आपको पता रहता है कि आपके लिए वो अच्छा है। जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया आपके लिए ख़राब है लेकिन आप तो उसको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आप एडिक्टेड हैं। पहले आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद से मतलब जैसे 10 का रोज लिस्ट बन रहा है आपका रात में या सुबह में, तो उसमें से आप कभी 2 होगा टिक, कभी 3 होगा टिक, और उसके बाद से आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा ना, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि अरे यार जो हम करना चाहते हैं और करने के बाद जो इफेक्ट मिल रहा है वो कितना हमको अच्छा लग रहा है करने के बाद। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद भी एक केमिकल है डोपामीन, वो एक केमिकल है जो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन होने के बाद या कुछ काम करने के बाद एकदम मज़ा आ जाता है। तो ये वाली ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुबह उठिए, उसके बाद से एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि आप रात में लिस्ट के बारे में ध्यान मत दीजिए, आप लिस्ट बनाइए और रख दीजिए अपने टेबल पर और देखिए कि आप क्या क्या काम किया आपने। बस ऐसे आप स्टार्ट कीजिए सोशल मीडिया वीडिया। मैं तो कभी एडिक्टेड नहीं था सोशल मीडिया से, फेसबुक पे 2-3 बार दिन भर में चला जाता था, लेकिन अरे उसके बाद से फिर जब फेसबुक का खेला हो गया वो सिक्योरिटी वाला खेला, तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया फेसबुक। तो अब सब कुछ छोड़ रहा है, बहुत कम आदमी उसमें एक्टिव है। तो बस यही कहना था आपको नए वीडियो में, और आप मेरा नया वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, वाराणसी में गया था तो उसमें एक गंगा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाहता था, तो उसमें 2 आदमी से मैंने इंटरव्यू किया उसमें, वो डालूंगा और एक तरीके से ब्लॉग बनाया उसको 2 या 3 वीडियो की सीरीज में डालूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू, मतलब मेरे जब मैं सब्सक्राइब या लाइक के बारे में कहता हूँ ना तो इफ़ लगाता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं लग रहा है तो उसका मतलब मेरे में कुछ कमी है ना, तो मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए, ना कुछ अपने लिए कर रहे हैं। बाय।